नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजेंद्र भारद्वाज और हम बात कर रहे थे पीयूष ग्रंथि के बारे में कि पीयूष ग्रंथि से नौ किस प्रकार नौ कौन कौन से टाइप के हार्मोन्स स्रावित होते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहला हार्मोन हमने पढ़ा है गोनेडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन और उसके दो पार्ट्स जिसमें से एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा पार्ट अभी डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट FSH की बात की थी, फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के क्या क्या कार्य हैं और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के क्या कार्य हैं वो आज डिस्कस करेंगे। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डिस्कस करने से पहले कल का जो पार्ट है वो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कल हमने एक डायग्राम बनाया था जिसमें एक यूट्रस और ओवेरीज बनाई थी, वेजाइनल ट्रैक्ट बनाया था। इस प्रकार की दो ओवेरीज होती हैं महिला के शरीर में जिसको अंडाशय कहा जाता है। ये भी अंडाशय है और ये भी अंडाशय है, इसको यूट्रस कहा जाता है या गर्भाशय कहा जाता है। और दोस्तों ये होती है फेलोपियन ट्यूब, इसको मैं FT के नाम से शो कर रहा हूं, और ये होता है वेजाइनल ट्रैक्ट, VT से शॉर्ट में लिखते हैं या योनि द्वार हिंदी में कहते हैं। इसके अंदर फॉलाइकल होती है, जो ओवरी होती है हमारी अंडाशय होता है महिलाओं का, उसमें ये होती है पुटिकाएं, जालीनुमा संरचना, इसको पुटिका बोलते हैं या फॉलाइकल बोलते हैं। दोनों तरफ पुटिकाएं होती हैं। तो जब अपन FSH की बात कर रहे थे, फॉलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात कर रहे थे, तो फॉलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के दो कार्य थे, एक मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए। तो मेल्स में क्या करता था, ये टेस्टिस को स्पर्म निर्माण के लिए एक्साइट करता था, और फीमेल्स की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो इसमें दो कार्य करता था। पहला तो ये कि अंडाशय को ये एक्साइट करता था, किस चीज के लिए, ये एस्ट्रोजन हार्मोन के फॉर्मेशन सीक्रेशन के लिए। तो मैं कह सकता हूं यहां पर एस्ट्रोजन हार्मोन के सीक्रेशन के लिए। फिर ये एस्ट्रोजन क्या कार्य करता था, ये इस पुटिका से कहता था कि आप किसका निर्माण कीजिए, अंडाणु का निर्माण कीजिए। ये पुटिका से कहेगा, पुटिका से अंडाणु के निर्माण के लिए कहता है, अंडाणु का निर्माण करने के लिए एक्साइट करेगा पुटिका को। तो दोस्तों पुटिका क्या करेगी, फिर अंडाणु का निर्माण करेगी। अब बात चलते हैं इससे आगे की, बात करते हैं जिस हार्मोन का स्राव होता है इसके बाद में, उसका नाम है LH, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हिंदी में कहा जाता है लुटिन उत्तेजक हार्मोन। इसके भी दो फंक्शन होते हैं, एक मेल्स के अंदर होता है, पुरुषों के अंदर होता है, और दूसरा फीमेल्स के अंदर होता है। पुरुषों के अंदर क्या होता है, टेस्टिस को, जो वृषण होते हैं वृषण को, टेस्टिस को ये क्या आदेश देता है, एक्साइट करता है किस चीज के लिए, एक हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्तेजन के लिए ये एक्साइट करता है, के सीक्रेशन के स्राव के लिए उत्तेजित करता है, एक्साइट करता है। अब इस हार्मोन का क्या कार्य होता है, इस हार्मोन का ये कार्य होता है कि वो सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स की मतलब उसको पहचान करवाते हैं, जैसे कि सेकेंडरी मेल कैरेक्टर मतलब जिन लक्षणों के द्वारा पुरुषों का पता चल सकता है कि पुरुष के कैरेक्टर, पुरुष के लक्षण, जैसे कि चेहरे के ऊपर दाढ़ी मूंछों का आना, तो हम पहला काम लिख सकते हैं चेहरे के ऊपर दाढ़ी मूंछ आना। दूसरा, पहला तो ये हो गया, दूसरा हो गया आवाज का भारी होना, आवाज का भारी होना, जो पुरुष होते हैं उनकी आवाज भारी हो जाती है इसके कारण। नंबर तीसरा, शरीर पर बाल आना, शरीर पर कई बार क्या होता है, जिनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो बहुत ज्यादा सीक्रेट होता है, तो शरीर पर बहुत ज्यादा बाल आ जाते हैं, शरीर पर अधिक मात्रा में बाल आना। ये तीनों कार्य किसके हैं, इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के हैं। फिर बात करते हैं LH के दूसरे पार्ट की, जो फीमेल्स में होता है, तो फीमेल्स में क्या कार्य करता है वो इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, फीमेल्स में ये क्या करता है, सबसे पहले ओवेरी को, ओवेरी मतलब अंडाशय को, अंडाशय को किस चीज के लिए एक्साइट करता है, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन के लिए। एक हार्मोन होता है जिसका नाम है प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन के लिए एक्साइट करता है।
यहां तक अब तक हमने बात की थी एफएसएच की। तो एफएसएच ने क्या किया था, एफएसएच ने एस्ट्रोजन हार्मोन के लिए एक्साइट किया था ओवरी को, एस्ट्रोजन ने क्या किया था पुटिका को एक्साइट किया था अंडाणु के निर्माण के लिए, अंडाणु का निर्माण यहां पर हो चुका है। अब ये क्या करेगा, ये जो हार्मोन है एलएच हार्मोन, इसका कार्य क्या होता है कि ये ओवरी को वापस एक्साइट करेगा एक दूसरे हार्मोन के लिए जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन का कार्य क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का कार्य होता है कि जो ये अपना अंडाणु यहां पर ओवम फॉर्मेट हो चुका है, तो अभी क्या है, अभी उस अवस्था में है कि ये फर्टिलाइजेशन में मतलब निषेचन में भाग नहीं ले सकता है, तो ये इनमेच्योर है। तो इसको मैच्योर करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जरूरत पड़ती है। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, पहले तो इसको मैच्योर करता है और फिर अंडोत्सर्ग करता है, मतलब ओवुलेशन के लिए सहायता करता है। जैसे ही अंडोत्सर्ग होगा यहां वेजाइनल ट्रैक्ट से स्पर्म आएगा और यहां से ये ओवम आएगा, तो इन दोनों का या डिम्बाइनी नलिका जो होती है फेलोपियन ट्यूब, यहां पर इन दोनों का क्या होता है निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उससे किसका निर्माण होता है, फिर जायगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो प्रोजेस्टेरोन का कार्य क्या हो गया, ये क्या करता है, जो जो अपना अंडाणु होता है अंडाणु को मैच्योर करता है पहला तो, और मैच्योर करने के बाद में अंडोत्सर्ग करता है, अंडोत्सर्ग, और अंडोत्सर्ग होने के बाद में ये किस में भाग ले सकता है, फर्टिलाइजेशन में भाग ले सकता है। तो ये किसका कार्य है, ये हमारा प्रोजेस्टेरोन का कार्य है। और ध्यान रखेंगे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दो ऐसे हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों हार्मोनों को प्रजनन का हार्मोन कहा जाता है, प्रजनन का हार्मोन। और जिस महिला में इन दोनों हार्मोनों की कमी होगी, तो आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि यदि एस्ट्रोजन नहीं होगा तो ओवरी पुटिका को संदेश, ओवरी को ये संदेश ही नहीं भेजेगा कि आप एस्ट्रोजन सेंड कीजिए, और एस्ट्रोजन ही नहीं होगा तब ये पुटिका को ये नहीं कह पाएगा कि आप अंडाणु का निर्माण कीजिए। जब ओवम का निर्माण ही नहीं होगा, फिर प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं, प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो क्या होगा कि ये मैच्योर नहीं हो पाएगा और यहां पर ये किसमें फर्टिलाइजेशन में पार्ट नहीं ले पाएगा और युग्मनज का निर्माण नहीं हो पाएगा। और दूसरा प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन को सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं, वो सुंदरता का हार्मोन भी कहते हैं, सुंदरता का हार्मोन। तो आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो प्रेग्नेंसी के टाइम पे बहुत ज्यादा सुंदर होती है, मतलब उनकी सुंदरता बहुत ज्यादा निखर जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि उनमें प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव बहुत ज्यादा होता है इस कारण से। फिर अगले हार्मोन की बात करते हैं जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, दैट इज प्रोलैक्टिन हार्मोन। नंबर थर्ड की बात करते हैं, सॉरी सेकंड की बात करते हैं। अभी तक पहला हार्मोन गोनेडोट्रोपिन स्टिम्युलेटिंग हार्मोन की बात की थी हमने, अब सेकंड हार्मोन है जो प्रोलैक्टिन हार्मोन या जिसको दुग्ध हार्मोन भी कहा जाता है। सेकंड हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसको दुग्ध हार्मोन कहा जाता है, दुग्ध का हार्मोन। अब देखिए इसका पहला फंक्शन क्या होता है, इसका पहला कार्य क्या होता है, जो कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है, स्रावित है ये डिलीवरी के बाद में, मतलब प्रसव के बाद में स्रावित होता है, प्रसव के बाद प्रभावी होता है, मतलब जब तक बच्चा नहीं होता है तब तक यह हार्मोन प्रभावी नहीं होता है, यह प्रसव के बाद में ही प्रभावी होता है। और दूसरा महिलाओं में होता है, केवल महिलाओं में स्रावित होता है मात्र। इसका कार्य क्या होता है, यह दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध निर्माण के लिए उत्तेजित करता है या एक्साइट करता है। ये दुग्ध ग्रंथियों से कहता है कि भैया बच्चा होने वाला है या बच्चा हो गया है, उसके बाद में आप दूध का निर्माण चालू कर दीजिए क्योंकि बच्चा दूध पीने वाला है।
इसी के साथ में दूसरा हार्मोन आता है जिसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं। दूध तो निर्माण हो जाएगा दुग्ध ग्रंथियों में, लेकिन वो बाहर कैसे निकलेगा? तो एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? यह जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं उनको आदेश देता है कि अब दूध का आप स्राव कीजिए। मतलब ये क्या करेगा, दुग्ध ग्रंथियों को दूध स्राव के लिए एक्साइट करेगा। महिलाओं में पाया जाता है, डिलीवरी के बाद भी होता है, ये भी सेम प्रोसेस वही होती है, परंतु ये दुग्ध स्राव के लिए एक्साइट करता है, दुग्ध स्राव के लिए एक्साइट करता है। इसके तीन चार और कार्य हैं। देखो पहला तो ये, इसको प्रेम का हार्मोन कहा जाता है। पहला तो ये कि इसको प्रेम का हार्मोन कहा जाता है। प्रेम का हार्मोन मतलब कि महिला का पुरुष की ओर और पुरुष का महिला की ओर जो अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, वो इसी हार्मोन के कारण होता है। महिला को देखते ही ये हार्मोन अपना माइंड क्या करेगा, अपने आप ऑक्सीटोसिन हार्मोन का धीरे धीरे स्राव करना शुरू होगा, इससे एक आकर्षण बनेगा। दूसरा कार्य क्या होता है इसका, दूसरा कारण ये प्रजनन का हार्मोन भी कहा जाता है, प्रजनन का हार्मोन। देखिए एक हार्मोन था प्रजनन का जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों की बात की थी हमने, दोनों सम्मिलित रूप से प्रजनन का हार्मोन होता है। और जब दूसरे हार्मोन की बात करेंगे तो ऑक्सीटोसिन को भी प्रजनन का हार्मोन कहते हैं। कैसे कहते हैं कि जब गर्भ के अंदर बेबी मैच्योर हो जाता है और डिलीवरी होने वाली होती है, प्रसव होने वाला होता है, तो हमारा जो महिलाओं का माइंड है वो पीयूष ग्रंथि को सिग्नल सेंड करेगा कि अब प्रसव होने वाला है, अब डिलीवरी होने वाली है, तो आप क्या कीजिए, जो यूट्रस है, ये जो यूट्रस है गर्भाशय है, इसकी जो दीवारें हैं या इसकी जो वॉल्स हैं उन पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव करना स्टार्ट कर दीजिए। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य क्या होता है कि जो गर्भाशय है उसकी वॉल्स पर यह क्या करता है, फोर्स लगाना स्टार्ट कर देता है। और फोर्स लगाने का मतलब है कि इनको सिकोड़ने लग जाता है, सिकोड़ता है। अब जब सिकोड़ेगा तो महिला के शरीर पेट के अंदर पेन शुरू हो जाएगा। उस पेट को, उस पेन को कहते हैं अपन प्रसव पीड़ा या लेवर पेन। वो किसी कारण होता है, इसी के कारण होता है कि जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय को सिकोड़ता है तो उसके कारण प्रसव पीड़ा होती है, उसको लेवर पेन कहा जाता है। इसी के साथ में जैसे ही लेवर पेन स्टार्ट होगा कुछ समय बाद में इसके साथ साथ एक और हार्मोन स्रावित होने लग जाता है, चौथे नंबर का जो हार्मोन है उसको रिलैक्सिन हार्मोन बोलते हैं, अभी पढ़ेंगे उसको। उसका कार्य क्या होता है, जो वेजाइनल ट्रैक्ट होता है उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है या उसको फैलाना होता है, स्प्रेड करना होता है, चौड़ा करना, जिससे क्या होता है जो जायगोट है या बेबी है वो आराम से रिलैक्स करते हुए बाहर आ जाए, इसके लिए वो रिलैक्सिंग हार्मोन का कार्य होता है। पर उससे पहले ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे तो ऑक्सीटोसिन का अगला कार्य क्या होता है कि ध्यान रखिए, जो दूध देने वाले पशु होते हैं, दूध देने वाले पशुओं में, दुधारू पशुओं कहते हैं, पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए, दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। और एक बात जो मैं इंपॉर्टेंट पूछी जाती है एग्जाम में कि भारत में ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन है वो कौन सी डेट से बैन कर दिया गया, तो ध्यान रखेंगे 1 जुलाई 2018 से ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन इंडिया में बैन कर दिया गया है, मतलब इंडिया में ब्लॉक कर दिया उसको। इंडिया में बैन क्यों किया, क्योंकि ऑक्सीटोसिन दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए लगाया जाता था, और जब दूध की मात्रा बढ़ जाती है तो जानवर जो होता है, जिस पशु के लगाया जाता है उस, जैसे उसकी डेथ होती थी तो उसको बाहर फेंक दिया जाता था और उसको दूसरे पशु पक्षी आदि खाते थे, तो उनमें उसका साइड इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता था और वो मर जाते थे। तो कुछ ऐसा हुआ कि कुछ पशु पक्षियों की प्रजातियां नष्ट हो गई, इस कारण ये रिसर्च किया वैज्ञानिकों ने कि ये बहुत कैसे हानिकारक इंजेक्शन है, इस वजह से इसको 1 जुलाई 2018 से भारत में बैन कर दिया गया। फिर चौथे नंबर के हार्मोन की बात करेंगे, रिलैक्सिन हार्मोन, अभी मैं समझा चुका हूं
रिलैक्सिन हार्मोन का क्या कार्य होता है कि ऑक्सीटोसिन जैसे ही स्रावित हुआ उसने यूट्रस को सिकोड़ना स्टार्ट किया। रिलैक्सिन हार्मोन यूट्रस को सिकोड़ने के बाद में प्रसव पीड़ा जैसी शुरू होती है तो इस हार्मोन का कार्य क्या होता है कि ये इसको वेजाइनल ट्रैक्ट को योनि द्वार को क्या करता है खींचता है बाहर की तरफ खींचता है जिससे कि ये मतलब हम कह सकते हैं ढीला हो जाता है तो उससे जो जायगोट है या बेबी है वो इजीली बाहर निकल जाता है। तो हम कह सकते हैं यह वेजाइनल ट्रैक्ट को फैलाता है, ये इस हार्मोन का कार्य है फैलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, फिर आगे हम देखेंगे कि एक हार्मोन होता है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, ADH क्या होता है, उसके बाद में ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, TH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH क्या होता है, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।